प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। तेलंगाना में वो दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली तुपरन में होगी और दूसरी रैली निर्मल में होगी। रैली के बाद वो तिरुमला के लिए रवाना होंगे और वो वहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर विकास नहीं करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एस और बीआरएस ने ना बीसी समाज के लिए काम किया और ना ही दलितों के लिए कोई काम किया। आज जो बीआरएस है, पहले वो टीआरएस थी। इन लोगों ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम दलित होगा, लेकिन जब दलित वोट मिल गए तो केसीआर ने सीएम की इस कुर्सी पर खुद कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे ठीक विपरीत, बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। तेलंगाना के चुनावी रण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी लोगों से किया हुआ हर वादा निभाती है और बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है। किया था कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था ट्रिपल तलाक का अंत होगा, वादा पूरा हुआ। हमने संसद में महिला आरक्षण की बात कही थी, वादा पूरा हुआ। हमने किसानों को 1.5 गुना MSP की गारंटी दी थी, वादा पूरा हुआ। हमने अपने सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का संकल्प दिया था, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, वादा पूरा हो रहा है। और साथियों, हमने तेलंगाना के लोगों से टर्मरिक बोर्ड का बनाने का वायदा किया था, ये वायदा भी बीजेपी सरकार ने पूरा करके दिखाया।